गरीबी में 7 साल तक नहीं खाई रोटी, अपने दुश्मनों को मारता है झूला झूला के झूला, कौन है ब्राजील का राष्ट्रपति लूला? पिता थे मोची, बेटा 580 दिन तक जेल में बंद रहा, अब राष्ट्रपति बनकर पहली बार पीएम मोदी से मिलने भारत पहुंचा। मोदी रचने जा रहे हैं सबसे बड़ा इतिहास, पूरी दुनिया को सिर्फ भारत से आस, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया लेकर कटोरा। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया, मोदी सिर्फ इशारा करेंगे और रिमोट कंट्रोल की तरह भारत के इशारे पर पूरी दुनिया चलेगी। बाइडेन हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी, एंथनी से लेकर सुनक तक, हर कोई भारत का दीवाना हो गया है। लेकिन राष्ट्रपति लूला के साथ मिलकर पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, जानकर भारत के दुश्मन देश आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी को संदेश भेज दिया है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में जान लीजिए। दिल्ली को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है, यहाँ 30,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। डिप्लोमेटिक एरिया में खास तौर पर TRDO ने एंटी ड्रोन रडार लगाए हैं, जो पल भर में किसी उड़ते ऑब्जेक्ट के बारे में खबर ले लेंगे और उसे ध्वस्त कर देंगे। इनकी पहुंच में काफी बड़ा इलाका है जिससे दुश्मन नहीं बच पाएगा। G20 मीटिंग के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम से लेकर कर्तव्य पथ तक की गई है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद और नोएडा तक बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए। दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में भी सुरक्षा सख्त है, कनॉट प्लेस के आसपास आवाजाही बंद कर दी गई है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। सड़क के साथ साथ यमुना नदी पर भी सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं कि कहीं दुश्मन पानी के रास्ते से कोई हमला न कर दे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ ब्राजील, सिंगापुर, चीन, जापान सहित करीब 15 देश भारत पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक नाम है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लूला पहली बार भारत आए हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति बनने से पहले 580 दिन तक जेल की सलाखों में बंद थे। 2019 में भारत और ब्राजील के बीच WTO विवाद शुरू हुआ था। फरवरी 2019 में ब्राजील और कई अन्य देशों ने भारत के खिलाफ WTO में शिकायत की थी। इन देशों का आरोप था कि भारत अपने किसानों को जो चीनी सब्सिडी दे रहा है वो वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है। उस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, लेकिन अब लूला ब्राजील के राष्ट्रपति बन चुके हैं और इन्हें मोदी का खास माना जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीता है कि कहते कि इनको 7 साल की उम्र तक ये पता नहीं था कि रोटी क्या होती है, क्योंकि रोटी कभी इन्होंने खाई नहीं थी। राष्ट्रपति लूला के पिता एक मोची थे, लोगों के जूते चप्पल सही किया करते थे और सिलते थे, इसी पैसे से घर का खर्च चलता था। लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति बनने के बाद लूला पहली बार भारत आए हैं और यहीं पर पीएम मोदी से मुलाकात होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन भी पहली बार भारत के दौरे पर आए हैं और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इस बार अमेरिका और भारत के बीच कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने सनातन को लेकर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान परेशान हो गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपनी बेटी को लेकर इस बार भारत आई हैं और उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए कहा है कि वो खुद को अल्पसंख्यक ना समझे, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, यहाँ हिंदुओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। G20 में जितने भी देश भारत आए हैं उनको न्योता भी भारत के नाम पर ही भेजा गया है और इंडिया नाम को खत्म कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा जानबूझकर पीएम मोदी ने किया है ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि जिस देश में वो मोदी से मिलने जा रहे हैं वो इंडिया नहीं बल्कि भारत है।